नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में बीजेपी की ओर से पहली बार बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि अदालतों में संविधान के रास्ते ही इन मामलों में फैसला किया जाना चाहिए। नड्डा ने सोमवार शाम को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी हमेशा सांस्कृतिक विकास की बात करती है, लेकिन काशी और मथुरा ऐसे मामले हैं जिन्हें अदालतों में संविधान के जरिए ही हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत इस मामले में फैसला करेगी और बीजेपी उसे पूरी तरह मानेगी। इस सवाल के जवाब में कि काशी और मथुरा के मंदिरों पर दावा करना बीजेपी के एजेंडे में है, नड्डा ने कहा कि राम जन्मभूमि के मुद्दे पर बीजेपी के पालमपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री 2015-16 में कोलकाता की एक फर्म के साथ हवाला लेन देन में शामिल थे। बता दें, हवाला सिस्टम में दो पक्ष स्थानीय एजेंटों के साथ धन का लेन देन करते हैं और औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सीबीआई ने जैन और उनके परिवार के खिलाफ अगस्त 2017 में कथित तौर पर 1.62 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि जैन और उनके परिवार ने 2011-12 में 11.78 करोड़ रुपए और 2015-16 में 4.63 करोड़ रुपए की लॉन्ड्रिंग के लिए 4 शेल कंपनियां बनाई थीं। बता दें, शेल कंपनियां कागजों पर बनी ऐसी कंपनियां होती हैं जो किसी तरह का आधिकारिक कारोबार नहीं करती हैं। इन कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जाँच शुरू की थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ट्वीट कर कहा कि गिरफ्तारी हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए की गई है, जहां जैन आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से फर्जी केस चल रहा है। अब तक ईडी जैन को कई बार फोन कर चुका है। बीच में ईडी ने कई सालों तक फोन करना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला। अब उन्होंने फिर से शुरुआत की क्योंकि सत्येंद्र जैन हैं हिमाचल के चुनाव प्रभारी। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी हिमाचल में पूरी तरह हार रही है, इसीलिए सत्येंद्र जैन को सोमवार को गिरफ्तार किया गया है ताकि वो हिमाचल ना जा सके। उन्हें कुछ दिनों में रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि मामला पूरी तरह फर्जी है। आर्यन खान मामले की जांच करने वाले एनसीपी के अफसर समीर वानखेड़े का चेन्नई ट्रांसफर कर दिया गया है। बता दें कि क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को निर्दोष पाया गया था और इसके बाद समीर वानखेड़े की जमकर आलोचना हुई थी। वानखेड़े को करदाता सेवा महानिदेशालय में भेजा गया है। इस मामले की जांच के दौरान समीर वानखेड़े मुंबई में एनसीपी के जोनल डायरेक्टर थे, लेकिन इसके बाद उनका मुंबई में ही एक दूसरे विभाग में ट्रांसफर किया गया था। जांच में आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद एनसीबी के महानिदेशक ने कहा था कि आर्यन खान मामले की जांच में शामिल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 5 डॉक्टरों के एक पैनल ने सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम कर लिया है और मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि मूसेवाला के शरीर पर करीब 2 दर्जन गोली के घाव पाए गए। ज़्यादा खून बहने से उनकी मौत हुई। रिपोर्टों में कहा गया है कि मूसेवाला के अंदरूनी अंगों में चोट के निशान थे और उनकी खोपड़ी में एक गोली भी मिली। उनके विसरा के नमूने आगे की जांच के लिए भेजे गए हैं। पोस्टमार्टम के निष्कर्ष अभी तक पुलिस के साथ साझा नहीं किए गए हैं। इस साल पंजाब में चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ने वाले गायक मूसेवाला की रविवार को पंजाब के मनसा में एसयूवी चलाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पंजाब के जाने माने गायक सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार मंगलवार यानी आज किया जाएगा। मूसेवाला के शव को उनके गांव में स्थित घर के बाहर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिद्धू मूसेवाला के समर्थक अपने पसंदीदा गायक के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इनमें बड़ी संख्या में नौजवान शामिल हैं। बता दें, सिद्धू मूसेवाला पर यह हमला तब हुआ था जब वो अपने 2 दोस्तों के साथ अपने गाँव से पड़ोस के गाँव जवाहर के की ओर जा रहे थे। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिससे पता चला है कि सिद्धू मूसेवाला का हमलावरों ने पीछा किया था। झारखंड में मिलकर सरकार चला रहे कांग्रेस और झामुमो के बीच राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद खटपट होने की खबर है। सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए झामुमो ने अपनी नेता महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया। इसे लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महुआ माझी को उम्मीदवार बनाने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और झामुमो के प्रमुख शिबू सोरेन से बातचीत के बाद ही लिया गया है, लेकिन झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि महुआ माझी के नाम का ऐलान दिल्ली में हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी के बीच जो बातचीत हुई थी उसके अनुसार नहीं है। राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी रांची आ रहे हैं और आगे क्या करना है इस बारे में बताएंगे। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की राज्य इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में जानकारी दे दी है। बता दें कि ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में अपने किसी नेता को झारखंड से उम्मीदवार बनाएगी और झामुमो उसे समर्थन देगा।
नेपाल में हुए विमान हादसे में सभी 22 लोगों की मौत हो गई है। मुस्तांग जिले में रविवार को हुए हादसे में लापता सभी 22 लोगों के शव भी मिल गए हैं। बता दें, तारा एयर के ये विमान रविवार की सुबह करीब 10 बजे पोखरा से मध्य नेपाल के जोमसोम के लिए उड़ान भरा था। हालांकि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एयर कंट्रोल सिस्टम से इसका संपर्क टूट गया और ये पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे पहले नेपाल के उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को बताया था कि 21 यात्रियों के शव बरामद कर लिए गए थे, लेकिन एक यात्री का शव लापता था जो कि बाद में बरामद कर लिया गया है। यूरोपीय संघ के नेता इस साल के अंत तक रूस से आने वाले करीब 90% तेल की कटौती करने पर सैद्धांतिक रूप से तैयार हो गए हैं। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार यूक्रेन को मदद देने के लिए बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में बुलाई गई 2 दिनों की बैठक के पहले दिन को सोमवार को यह फैसला किया गया। इसके अलावा इस प्रतिबंध पैकेज में अन्य कठोर उपाय भी शामिल हैं, जिसमें रूस के सबसे बड़े बैंक को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से काटने वाला फैसला भी शामिल है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।